गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा नाम पॉल कपूर है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ साइबर C65. अगर एक्सप्लेन करता हूँ साइबर 65 को. साइबर 65 एक फास्टेस्ट यूनिकॉर्न है इंडिया का. साइबर C65 एक फास्टेस्ट यूनिकॉर्न है इंडिया का. 109th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया है एंड इट्स अ फास्टेस्ट यूनिकॉर्न इन 3 मंथ्स. यूनिकॉर्न का मतलब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि है क्या यूनिकॉर्न. देखो, यूनिकॉर्न का मतलब ये है कि एक जो $1 बिलियन कंपनी वैल्यूएशन जब होती है कंपनी की, तो जो वो 1 बिलियन टच करती है. $1 बिलियन अगर हम इंडिया के बोले 9,850 करोड़ के आसपास जब वो टच करती है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न. तो हमने हमारे पास एक ऐसी टीम है, जो हमारे पास फाउंडिंग टीम है, हमारे पास जो डेवलपमेंट टीम है, हमारे पास जो इन्वेस्टर्स का अब ट्रस्ट आया है, तो उसकी वजह से हम इस यहाँ तक पहुँच पाए हैं. तो ये हमने सिर्फ 3 मंथ्स में करा है ये सब कुछ. और ऐसा क्या बना दिया जो आपने इतनी जल्दी इतनी अचीवमेंट कर ली है? देखो सर, हमने बनाया ऐसा है, हम प्रोटोटाइप्स हमने बनाए हैं, है ना. तो उस पर हमने हमारे इन्वेस्टर्स ने बहुत उस पर हमारे इन्वेस्टर्स ने हम पे बिलीव करा है. वी हैव वन ऑफ द टॉप निश टीम दैट वी हैव. एंड तो अपन वेब 3OS का जो हम काफ़ी दिन से सुन रहे थे जी, ये होगा फिर भी फ्यूचर वो नहीं मिल रहा है इसको. साइबर 365 पहली बार लेके आ रहा है चंडीगढ़ में, इसकी अनाउंसमेंट हो रही है. बहुत गुड न्यूज़ है हमारे जी, जो टेक्निकल लोग हैं जी इंप्लीमेंट कर सकेंगे अब और कितनी शॉर्टली कर पाएंगे. सर देखो, अगर इन्वेस्टर ने भी बिलीव करा है, उसको किसी ने इतने पैसे दिए हैं, तो ऑब्वियसली उसको कुछ तो दिखा होगा. अच्छा, आपने बनाना शुरू कर दिया है? नहीं, हमारे हो या बन गया? सर हमारे प्रोटोटाइप्स रेडी हैं. अगर प्रोटोटाइप्स रेडी हैं उसको हमारे प्रोटोटाइप्स रेडी हैं. और हाँ, तो अभी हम ये पैसा जो हमें मिला है, अभी हम यूटिलाइज़ करेंगे टॉप के लोग हायर करने के लिए, टॉप कंपनी से. वर्ल्ड वाइड ये पहला होगा सपोज, या पहले भी बन रहे हैं? सर देखो, वेब टू टेक्नोलॉजी जो है माइक्रोसॉफ्ट वेब टू यूज़ करता है. नहीं, मैं बताता हूँ सर, जो माइक्रोसॉफ्ट है वो वेब टू यूज़ करता है. हम यूज़ कर रहे हैं वेब थ्री टेक्नोलॉजी. अब हम वेब थ्री टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. वेब टू देखो वो रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी. लेकिन वेब थ्री सर ऐसा है कि लोग वेब थ्री यूज़ करने वाले हैं कुछ 3-4 साल के आने के टाइम में. करेक्ट. लॉट ऑफ एन्क्रिप्शन, लॉट ऑफ डेटा थेफ्ट हैज इट हैपेंड ड्यूरिंग दिस क्राइसिस टाइम, जो पिछले 2 साल में हुआ ना, उसके बाद से बहुत सारे अपने देखे होंगे ऑनलाइन क्राइम शुरू हो गए, फंड्स ट्रांसफ़र शुरू हो गए, लोगों के डेटा थेफ्ट होने शुरू हो गए. ये सब वेब 2.0 में हुआ है, इसीलिए वेट थी वेब 2.0 की. और इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम और क्या है आपके पास? AI चेन का क्या कंसेप्ट है? सर देखो, पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर मैं आपको तरीका पूरा समझाऊँ, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है हमारा. बैटरी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी माइक्रोसॉफ्ट का सेंट्रलाइज्ड है, हमारा डिसेंट्रलाइज्ड है. तो डिसेंट्रलाइज्ड में अभी कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास टीम है, हम डिसेंट्रलाइज बना रहे हैं उसको. ठीक है जी. तो डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जी, डिसेंट्रलाइज वेब थ्री ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हमारा. ठीक है जी. उस पर सेफ और सिक्योर वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं हमारे नॉर्मल यूज़र्स, और हमारे जो वेब थ्री एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू. और ये हम एक अमेलगमेशन, हम एक इंटीग्रेशन है ये हमारा साइबर 65 ब्रांड, AI, वेब 3 एंड साइबर सिक्योरिटी. आप उनको देने के बारे में जो अगले डेवलपर्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करेंगे? आप एक मॉड्यूल प्रोवाइड करेंगे अपना जो 3.0 के साथ होगा, या आप अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे उनको डेवलपर्स को? मोबाइल देखो आपका लाइट चल रही है. डेवलपर्स को अब डेवलपर्स जो बाकी के आपसे बात करना चाहेंगे, ये आपसे आप ही सर्विसेज लेना चाहेंगे, कभी ना कभी तो अपेंड होंगे ना आपके साथ जब आप लॉन्च कर देंगे. जी सर जी. अब विद इन कमिंग 3-4 तो आप उनको क्या देंगे? एक थोड़ा मॉड्यूल बना के एक्सेस देंगे, या पूरा का पूरा OS मिल जाएगा उनका 3.0 का, जो कि AI चेंज में वो कर सकेंगे एक्सेस? सर ये टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, अगर आप जवाब देना चाहेंगे. नहीं, टेक्निकल क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा टाइमलाइन रोड मैप है वेबसाइट पे, आप उस पर देख सकते हैं सारा. बिल्कुल वही तो मैं पूछ रहा हूं. जी सर, वो रोड मैप पूरा वेबसाइट पे, रोड मैप देखिए वेबसाइट पे, रोड मैप साइट पे. बिल्कुल वेबसाइट बता दीजिए आप, cyber365.com. cyber365.com. कहाँ की बेस्ड है आप कंपनी? Headquartered in London. We are running hub of operations from India and we have office in Gujarat, Ahmedabad, Bangla Road. Technical issues support कहाँ पे मिलेगा? Ahmedabad. So we don't know right now how we can be.
cashless stores, in India, Reliance is just, the thing is like, we are very upcoming right now. Upcoming is, we are very early stage of it. And that's the advantage we are using right now for the cashless stores as well. Because Reliance has just started, and there's so many locations in India that can, that are, you know, that are options. Web 3 OS, I'm sorry, I've joined late, but still actually, sorry. AI chain is very much, you know, it's not secure enough. I so love web, that, you know about AI chain. I know a lot about it. Web 3 OS, I've heard that it'll ensure the cyber security in further future. But is it the press conference right time to reveal it out? Or is it exactly the product is? No. So, like, you're trying to say, like, the AI chain. That's right. The AI chain is not very secure enough. That's what I've heard of. No, you know, see, there are not many developers in the market right now. I'll tell you, there's not much developers in the market for Web3. And, things are hurt. It's not true. I'm not saying the other chains are fine, but AI chain, it brings sustainability and, It's definitely secure. Any chain is secure. So you want to say that Web3 OS starts with you now, because it's not announced yet with any other organization. I haven't heard. Nobody is doing till now, and nobody has, the kind of team we had that potential to build that system. Okay. Yeah. So because we had a prototype ready, and. Now anyone can say, we can build Web3 OS and all that stuff, right? But, you need to have that mindset of team and the kind of, So you can install it? Sorry? You can install it on your system now? Buying it from you, or is it it's a prototype. Yeah, it's a prototype. It's in the beta version? Beta version is available or not yet? See, the thing is, all these technical questions I wanted to answer, but Sunny Vaghela, nobody is coming right now. Okay. Nobody to come. Sunny Vaghela, Suneshwar Singh is a CPO first. So how long we need to wait? That's the perfect question, actually. For the technical question, I just wanted to address people in just 3 months that, we are a unicorn and this is the product we are doing right now. So we just wanted to address media. It's a good news otherwise. Yes, thank you very much.